सभी को मोहब्बत है अपनी जरूरतों से, और मुझे मोहब्बत है अपनी हमसफर आटों से। क्योंकि माँ पूछती है चूल्हा जलेगा कि नहीं, और मैं रोता फिरता हूं आज सवारी मिलेगा कि नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है मानस सिन्हा और मैं सच्ची कहानियां लिखता हूं। और आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की। जब सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ती नहीं कि उससे पहले कंधे पर गमछा पहन लेता है। एक दिन की बात थी, अंधेरी रात थी, सुनसान रोड था, हवाएं तेज चल रही थी, बादल जोरों से गरज रहे थे। और उसी रास्ते में एक लड़की ऑटो वाले को रोकती है और पूछती है, क्या आप मुझे मंगला चौक तक छोड़ सकते हैं? वहीं मेरे भाई मुझे लेने आ जाएंगे। तभी लड़की ऑटो में बैठती है और अपने भाई को कॉल करती है। उधर लड़की का भाई रिमझिम बरसात के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और शराब का मजा लेता रहता है। उधर ऑटो मंगला चौक पहुंचने वाली रहती है कि अचानक ऑटो का पिछला टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर ऑटो से नीचे उतरता है और लड़की भी नीचे उतर जाती है। तेज हवाओं में पंचर बनाने के लिए नीचे बैठने वाला रहता है कि अचानक लड़की का घूंघट ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर आ जाता है। ठीक उसी वक्त लड़की का भाई शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। लड़की का भाई जैसे ही इस नजारे को देखता है तो शराब के नशे में बिना सोचे समझे ऑटो ड्राइवर को मारने लगता है। और वो ऑटो ड्राइवर अपने बचाव के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, दया की भीख मांगता है। उधर लड़की का भाई उसकी बात को बिना सुने बिना समझे उसे मारने लगता है, उसे पीटने लगता है। तभी उस लड़की के भाई का दोस्त ऑटो ड्राइवर को गौर से देखता है और पहचानने की कोशिश करता है और पूछता है कि शायद आप आज से 3 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है क्या? मैंने शायद आपका चेहरा किसी अखबार में देखा है। तब ऑटो ड्राइवर रोते हुए बोलता है कि साहब, मैंने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन इस बेरोजगारी की दुनिया में नौकरी नहीं मिली। पिता का देहांत हो गया और घर बाढ़ में बह गया। दो वक्त की रोटी और मां की दवाइयों के लिए ऑटो को मैंने अपना हमसफर बना लिया। मोहब्बत है मुझे अपने ऑटो से, क्योंकि मेरी सांसें चलती है मेरी सवारियों से। मैं तो मैडम को मंगला चौक तक छोड़ रहा था, अचानक मेरी ऑटो पंचर हो गई और मैं पंचर बनाने के लिए नीचे बैठ ही रहा था कि मैडम की घूंघट अचानक मेरे चेहरे पर आ गई। और उसी दौरान ये देखकर भाई साहब ने मुझे मारा और पीटा। दोस्त, सवारी के पैसे से ही हमारी दो वक्त की रोजी रोटी चलती है, भला उससे हम धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, कभी कभी हम जो देखते हैं उसकी सच्चाई कुछ अलग ही होती है, और शराब के नशे में तो गलत ही होता है। लोग शराब के नशे में अपने आप को नहीं अपने परिवार को भी धोखे में रखते, क्योंकि हमसे ज्यादा ठेस हमारे चाहने वालों को पहुंचती है। दोस्तों, कभी भी शराब का नशा ना करें और अपने परिवार को धोखे में न रखें, क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही प्यारी है।